व्लॉग कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और सब लोग मजे करो। और तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मुझे ये रूम शिफ्ट करना है। मैंने अपना नया पीजी लिया है, रूम तो नहीं बोलूँ क्योंकि रूम ले लेके थक गया हूँ ब्रोकरेज दे दे के। तो मैंने अपना नया पीजी लिया है, हमारी पैकिंग वगैरह भी सब चल रही है। ये देखो, ये ऐसे सारा सामान बिखरा पड़ा है तो ये पैक कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम बेसिकली ये है ना कि इस रूम पे थोड़ा पानी की प्रॉब्लम है, पाइप लेके पानी भरना पड़ता है इस पर। और ये रूम मेरा नहीं था, ये काजल और निखिल का रूम था। तो उन्होंने मतलब हमने ही अर्जेंट पे लिया था और फिर मैं घर चला गया था 2-2.5 महीने के लिए। फिर उसके बाद में जब घर से वापस आया तो निखिल तो भी घर पे ही, काजल ने अपना नया रूम शिफ्ट कर लिया है तो इसीलिए मुझे भी शिफ्ट करना है। तो आज मुझे अपने पीजी पे जाना है, सामान पैक कर रहा हूँ। और ये सब रहा ऐसा बिखरा हुआ, काफ़ी सारा पैक हो गया है, थोड़ा बहुत जो बाकी है जैसे मेरे ये टी शर्ट बाकी है, कब सामान भी बाकी है, वो सब मुझे पैक करना है। उसके बाद मैं चलते हैं सामान लेकर, आपको अपना नया पीजी भी दिखाता हूँ मैं। तो गाइस जैसे तैसे करके दो बैग मैंने पहुँचा दिए, भारी थे, फोर्थ फ्लोर पे पहुँचाने थे तो पहुँचा दिए। और मैं आपको रूम का वीडियो दिखाता हूँ। थोड़ा शूट करने में प्रॉब्लम हुई, मैंने ऐसा फ़ोन सीधा करके शूट किया तो आप लोग देख लो, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कैसा रूम है। और मैं वापस आ गया हूँ क्योंकि अभी भी एक ट्रॉली बैग और एक ये वाला बैग यहाँ पे जो भी इसको बोलते हैं वो है, तो इनको भी लेके चलते हैं। और शूज़ वगैरह हैं मेरे, उनको लेके चलते हैं। बस इतना ही, बाकी देखता हूँ, और तो कुछ खास दिख नहीं रहा। मंदिर अपने भोलेनाथ को और बजरंग बली को, उनको लेके चलना है। सो ये है हमारे रूम के एंट्रेंस और ये हॉल है, यहाँ पर दो बेड और ये किचन, और लेफ्ट साइड में वॉशरूम, वॉशरूम के आगे दिखाऊंगी, किचन है अपना। और ये रूम है, तो ये बेसिकली रूम में मेरे साथ एक बंदा और रहेगा, तो ये उसका बेड है। और ये साइड में जो है ये मेरा बेड है। और बड़ी बड़ी दो विंडो हैं, वैसे वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है और पूरा सी फेस है, दोनों विंडो से सी दिखता है प्रॉपर। तो सही है रूम, परफेक्ट है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही है, अच्छा वेंटिलेशन के साथ। ये मेरा बेड, तो मुझे तो अच्छा लगा। और ये यहाँ मेरी विंडो, इससे मुझे अच्छा व्यू दिखेगा। सो फाइनली आज डे टू और अभी बज रहे हैं शाम के 5। और मैं कल रात में आया था सामान वामान रख कर यहाँ पर, तो मैं यहीं से सो गया था। मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि वो तीन बैग, 250 इतने भारी भारी बैग। एक तो यहाँ उस वक्त प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 4-4 फ्लोर की बिल्डिंग्स होती हैं और किसी भी बिल्डिंग्स में लिफ्ट नहीं होती, सीढ़ियों से ही आना जाना करना पड़ता है। इसीलिए फिर 4 फ्लोर चढ़ाना वो बैग, मेरे कंधों की तो बैंड बजी पड़ी, इतना दर्द कर रहे हैं, इतना दर्द कर रहे हैं। तो मैं आया था यहीं पर, सो गया था खाना वाना खा के। तो और मैं कल रात में सोया हूँ 1-2 बजे के आसपास, और अभी उठाऊँ जाकर जस्ट 10 मिनट पहले, 4:57 है और 4:40 के आसपास मैंने, मेरे पास कॉल आया था काजल का, तभी उठा था मैं। और मेरा गला भी पता नहीं अजीब सा हो गया, पता नहीं क्या ही हो गया मुझे। तो अभी थोड़ा सा ये सामान और है, ये रिंग लाइट है मेरी, ये थोड़ा सा हेलमेट जो भी होगा, ये सारा सामान है बस, ये कुछ है। और गद्दे उद्दे तो यहीं पड़े रहेंगे, गद्दे उद्दों को देखते हैं क्या करना है, तो लेकर जाना होगा तो देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर है मे बी, हाँ है वहाँ पे, और अगर नहीं हुआ तो फिर ले चलेंगे, क्योंकि बेड पे तो बेड का गद्दा लगा ही हुआ है। और उनको देखते हैं, कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा, इसे रूम पे भी छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि ऑनर डिपॉजिट को देने में प्रॉब्लम करेगा, तो इसको कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा। तो देखते हैं इसका क्या करना है, मैं मिलता हूँ आपसे उस वाले रूम पर और जो सामान लेकर पहुँचता हूँ मैं वहाँ पे। सो आधे घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आ चुका हूँ अपने फ्लैट में, सामान वामान रख दिया। बहुत 4 फ्लोर चढ़ने में ऐसी हालत टाइट होती है ना, कुछ बता नहीं सकता, लेकिन ये व्यू देखते मुझे आराम मिल जाता है। देखो सामने पूरा सी व्यू है, तो आराम मिल जाता है मुझे। अभी तो पानी काफ़ी पीछे गया है, आगे भी आएगा, लो टाइड चल रही है, अभी पानी आ जाता है यहाँ तक, यहाँ तक पूरा पानी रहता है।
हवा भी अच्छी चलती है। एक खिड़की उधर भी है, वो विंडो जब ओपन कर लो तो बराबर हो जाता है। अभी वो बंदे करते हैं थोड़ा सेटअप, करते हैं थोड़ा सीना सीना सीखे तो करते हैं पूरा सेटअप। और अभी डीमार्ट भी चलना है तो नहा धो के यहीं पर रेडी होके तो लेते हैं अपने बिल्लो, काफ़ी दिन से वो भी खड़ी है, उसको भी निकाले तो फिर चलते हैं डीमार्ट। मेरा इस वॉल के लिए कुछ स्टिकर्स मंगाए थे तो वो पार्सल आ चुका है और वो ये रहा, तो देखते हैं इसको भी खोल कर कैसे आएँ, क्या क्वालिटी उनकी, और अभी लगा देते हैं फिर बाकी काम करते हैं। जैसे डीमार्ट जाना है वो भी काम कर लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत सामान है वो भी ले आना है, तो इसको भी लगाते हैं। पहले मैं सेट कर दूँ अपना कैमरा, तभी ये वॉल देखिए प्रॉपर। इसके तीन ये म्यूज़िक के कुछ लगे हैं, जो उससे पहले जो लड़का रह रहा होगा वो सब उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट रहा हो तो ये तो लगे ही रहेंगे। साथ में हम अपने भी लगा देंगे कुछ मोटिवेशनल कोट्स हैं। पीछे भी सिंगर हैं एक, तो गाना गा रहा है, आपको दिखाता हूँ। तो पीछे सिंगर भाई इतना वो भी गाना आ जाते हैं तो अच्छा है, माहौल तो यहाँ का चिल पे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। करते हैं ये वाला काम भी अपना कर ही लेते हैं। Told me I was timid child, at school they said I had no style. I was dreaming to be those cool kids, but I kind of fucked up my whole teenage life. Now I've been many places, all these years I used to cry over now, but now I... So finally, ये भी लग चुका है, आपको दिखाता हूँ। ये कुछ सेगमेंट लाइट ऑन करूँ, ये कुछ ऐसे लग चुके हैं तो ये भी सही है। तो मेरे पास ये दो बच रहे हैं, इनको भी देखता हूँ क्या करना है। तो ये भी कुछ फाइनल हो गया और इनकी प्रिंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। 323 में मिली है ये, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 10 पीस, तो काफ़ी अच्छी प्रिंट क्वालिटी भी है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हो। अब चलता हूँ नहाने और नहा कर चेंज करता हूँ, उसके बाद चलते हैं डीमार्ट। ओके सर, मैंने लगा रेडी तो हो चुका है, अब चलते हैं मेरे बिल्लू को निकालते हैं और डीमार्ट चलते हैं। तो डीमार्ट से थोड़ा सामान लेकर आते हैं और फिर रूम पे आते हैं, बस इतना ही कुछ है। रूम को आपने देख लिया, पूरा सेटअप हो ही चुका है, तो बस चलते हैं और सामान लेके आते हैं जो चाहिए। फाइनली आ चुके हैं बिल्लू के पास, ये रही अपने बिल्लू। ये बाइक पता नहीं किसकी खड़ी है, कितने दिन से खड़ा करके गया है ये रही अपने बिल्लो। और इसको थोड़ी देर स्टार्ट करते हैं, चुका हूँ डी मार्ट और ये रहा सामने डी मार्ट। तो शॉपिंग हो चुकी है और अब निकल रहे हैं, आइसक्रीम भी खा लिया, निकलते हैं। काजल ने कॉल किया, काजल चाय बना रही, काजल के रूम पे चलते हैं और वहीं मिलते हैं आपसे। तो गाइस आ चुके हैं काजल के फ्लैट और देखो एसी भी लग गया, मस्त काट रही है जलवे। जलवे मेरा बैग तो दिखा, रूम तो दिखा। रूम तो तेरा पहले ही मिनी ब्लॉग में देख लिया था।
फोन क्या है तेरा? I am so sorry काजल। सॉरी मैं गाली नहीं दे सकती इसको ब्लॉग में। It's okay। बेंचो तू तो मजे काट रही है, हमारा क्या? एसी ओसी चालू करा ना फिर इसको, कब तक चालू करेगी? कल करेगा, अभी आज सुबह किया तो कूलिंग ही नहीं हो रही। चाय बना दिया तूने? बना लिया। टाइम पास मत कर। अरे उसका कॉल आ गया था इसलिए बैठी, तो बैठना मैं आई। दो मिनट बस, नीचे जा रही थी। अभी नीचे भी नहीं गई? अरे यार उसका, अरे यार तू बहुत टाइम पास करती है यार। तो जा लेके आ रहा ना फटाफट, मैं तेरे लिए पॉपकॉर्न वगैरह सब लेके आया हूँ। काजल भूखी होगी। अच्छा मैं देख, मेरा पूरा सामान भरा हुआ मेरे पास। अरे नहीं, 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 मैं तो यहीं रुक रहा हूँ, मैं अपना रूम छोड़ रहा हूँ। ओ क्रीमी ओनियन ये है, मसाला मस्त काट रही है क्या? जलवे जलवे जलवे। हे मॉन बेबी आर्यन बेबी निखिल बेबी क्या लोग अभी ये क्या बनाया है तूने कुकर में? ये मैं राजमा बना रहा था। राजमा क्या बताऊँ तेरे लिए, कल से मैं 3 बैग ऊपर चढ़ाए ना मैंने मेरे, ऐसे भाई साहब कंधों में ऐसा दर्द है ना। पंखा तो चला ले। अबे यहाँ का क्यों चला रही है, मैं तो रूम में जा रहा हूँ। तो गाइस ये रहा काजल का रूम, और काजल गई अभी दूध लेने, फिर चाय बनाएगी काजल, और हमारा भी सामान यही है, थोड़ा सा ही सामान था। क्या था ना, मेरी बेडशीट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी। प्रॉब्लम क्या, मैंने उसको जब मैं घर गया था ना तब से वो पड़ी थी, किसी ने धुला नहीं, वो ऐसे ही पड़ी थी, तो उस पर थोड़ा स्मेल आ रही है, तो उसको अभी डायरेक्ट मतलब आज ही शिफ्ट हुआ हूँ तो आज ही धुलूंगा, ऐसा नहीं है। अभी तो फिलहाल मैं शिफ्ट हुआ हूँ, कल तक देख। अबे यार सर्फ लाना भूल गए, चलो सर्फ यहीं से ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ तो कल डालता हूँ उसको भी धुलने के लिए। तब तक के लिए मैंने एक बेड शीट ले ली है सस्ती, डीमार्ट पे सस्ता आइटम मिल जाता है इसलिए, और एक बॉडी वॉश लिया है, और कपड़ों को मैं लगाने के लिए क्लिप्स लिया है, जैसे कपड़े सूखने के लिए डालने होते हैं ना टेरेस पे, तो गिरे उड़े ना या फिर उड़ ना जाए, तो उसके लिए क्लिप्स लिया है। बस इतना ही है, और क्या था, और छोटी मोटी थोड़ी चीज़ें और ली हैं बस, और अभी तो राशन वगैरह तो ऐसा कुछ लिया नहीं, बट वो भी देखते हैं, वो भी लेना ही है। तो गाइस ये लड़की ऐसी है, इसके यहाँ रूम पे मतलब ये दो लड़कियों को और रखने वाली है, तो उन्होंने रिक्वायरमेंट भेजा तो इसने देखा, तो एक लड़की आ रही है 11 तारीख को दिल्ली से, फर्स्ट टाइम मुंबई में, तो मैं सोचा कि मैं उससे फ्रेंडशिप कर लेता हूँ। ये लड़की इतना ही मुझसे जलती, इतना मुझसे जलती, बोल रही मैं उससे फ्रेंडशिप ही नहीं करने दूंगी, तुझे मिलाऊंगी नहीं, तुझे अपने रूम पे नहीं बुलाऊंगी, इतना जलती है मुझसे, क्या कर सकते हैं यार। तू तो है ही छपरी, तेरे चक्कर में मैं अपनी रूम की लड़कियों को क्यों बदनाम करवाऊं? अबे क्या छपरी बे, छपरी है तू, छपरी छपरी क्या, जलती है मुझसे मेरी खूबसूरती से, खूबसूरती से जलूंगी तेरे, और नहीं कुछ। ले पॉपकॉर्न खा, मौज कर। अरे यार तू मस्त काट रही है भाई, जलवे क्या मस्त काट रही है, मस्त काट रही है जलवे यार। सुबह सुबह जाती हूँ जॉब पे 7:30 बजे, रात को 9:30 बजे आती हूँ, मेहनत नहीं दिख रही बच्ची की। फैन ऑफ, तेरी आवाज नहीं आई, फैन ऑफ कर दे। अच्छा फैन ऑफ करके दोबारा बोलती हूँ। सुबह 7:30 बजे जाती हूँ जॉब पे, ठीक है, रात को 9:30 बजे आती हूँ, थाने ट्रैवल करती हूँ, इतनी दूर 2.5 घंटे का ट्रैवल है, वो नहीं दिख रहा है इनको, मेहनत नहीं दिख रही मेरी, बस जलवे दिख रहे हैं। ये नान कहाँ से लाई तू ये बता, नीचे से। यार ब्लॉग कर रहा हूँ ना मैं। अरे यार तेरे ब्लॉग के चक्कर में मैं मर जाऊँ गर्मी में। ब्लॉगिंग के टाइम में डिस्टर्ब नहीं, मैं एकदम दिल से करता हूँ जो मैं करता हूँ, दिल से करता हूँ, नहीं कुछ पता नहीं कहाँ कहाँ दिल है तेरा। मेरा दिल वही तो बता रहा हूँ, उसको आने उसको दे दूंगा मैं, उसको पहले भड़का दूंगी। क्या भड़का देगी, तुझे पता नहीं है लड़कियां मेरे लिए कितने 15-16 हजार के टोटके करा रही हैं कि मिल जाए उनको, पट तो तू सेक भी नहीं रही। मैं वही सोच रहा हूँ ना कि पहला यहाँ कोई भाव नहीं दे रही है, और तू भी टोटका कराना, दोनों तरफ से टोटका होना चाहिए। एक है तो 16-16 हजार के टोटके करा रही है, बिना नाम लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिना नाम लिए मैं अपने ब्लॉग में तुझे कितनी बार गालियां दे चुका हूँ। मैं तो तेरा नाम लेके गालियां दूंगी,
चूड़ियां लेने जा रही हूँ मैं। तो गाइस आप लोग कमेंट करो, ये जो नई लड़की आ रही है इसके रूम पे यार मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, पसीना आ रखा है गाइस मुझे, ये चाहता है कि मैं अच्छी ना दिखूं इसलिए ये मेरी ऐसी शक्ल में मेरा व्लॉग बना रहा है, और ये भी मुझसे जलती है इसलिए वो लड़की का वो बोल रही है, वो लड़की आने के बाद अपने रूम पे नहीं आने दूंगी। तो आप कमेंट करो, इसका नाम काजल है, मैं इसकी इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगा, इसको डीएम करो भर भर के, 3.5 लाख लोग देख रहे हैं मेरे को। तो गाइस आप लोग इसको बोलो 350 कोई नहीं वो भी होंगे, अब ये जलते ही रह जाएंगे, बस यही अंधेरी से थाने अंधेरी से थाने करते रह जाएंगे। ठीक है यार तू स्टार बन जाएगा, तुझसे पैसे उधार लेंगे ना। उधार क्यों लोगे यार, मैं तो ऐसे तुम्हें दे दूंगा दान पे, ले जाओ ऐसे करो, दान वान नहीं लेते हम। ठीक है तू उधार नहीं, दान तुझे कितना चाहिए बता अभी, कहाँ मेरा क्रेडिट कार्ड दे दे, चल यार गर्मी लग रही है, एक बाप ये तो दे दे, तू एक बाप का ना तो अभी पैसे दे 10,000। मैं क्यों, मैंने तो बोला ही नहीं, तू तो क्रेडिट कार्ड निकाल दी थी, तो मैं भी पलट गई ना, मैंने ये बोला, तूने बोला कि जब तू एक्टर बन जाएगा तब तू मुझे, जुबान का क्या है ब्रो, कभी भी फिसल जाती है, तेरी भी फिसलती होगी हमारी नहीं फिसलती, तो ये तो कितनी बार फिसली है मुझे पता है, ठीक है तू अपनी चुप ही है, मर्द की जुबान है मेरी जुबान नहीं फिसलती है, मर्द की जुबान नहीं फिसलती ना लड़की की थोड़ी। ये लड़की इसकी फिसलती है, इसकी भी क्या सब तेरी जैसी चूतिया थोड़ी है, मुझे कैसे पता होगा, इतना हट्टा कट्टा गबरू जवान, गबरू जवान तो नहीं है बच्चा, 19 साल का गाइस, 19 साल का है गाइस, को क्या बता रही गाइस पता नहीं है, कितने साल का है, I am 21 now. No, he's just 19. इसके फेस पे मैच्योरिटी आ गई इसलिए बड़ा लगता है। ये भी डालना, ये भी डाल, तेरे घर वाले देखेंगे, ये डालना। परमानेंट ब्लॉगर हो गया हूँ मैं, बीच जा रहे हैं तो वो भी बताना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बीच थोड़ा टाइम पास करने, थोड़ा टहलने, और पार्टी सार्टी तुम भी करते रहा करो, हम भी पार्टी करने जा रहे हैं बीच पे, बीच पार्टी करते हैं हम, तो चलते हैं अभी आपको बीच पार्टी भी दिखाते हैं पूरी हमारी कैसे बीच पार्टी होती है, गरीबों के साथ ही मुझे जाना पड़ता है, बट ठीक है, I'm not worried, okay? यू आप गरीब, ओ यहाँ पे नहीं है, घर जाके दिखाऊंगा तुझे, घर जाके एकदम बप्पी लहरी बन जाता हूँ मैं, देख। तो गाइस चलते हैं बीच, और अरे मादर चोर इसकी गांव भोसड़ी का 100 रुपए भेज रहा है यार, इसे यार लोग रुला देते हैं यार मुझे पैसे भेजने के लिए, पैसे ले लेते हैं भोसड़ी फिर पैसे नहीं भेजते, ऐसे गरीब लोगों से मेरा पाला पड़ जाता है, मुझे इसके जैसे लोग पसंद है, इसको एक बार कॉल कर दो ना एकदम गुस्से में आ जाती है, मुझसे पैसे के लिए कैसे बोल दिया और तुरंत पैसे भेज देती है, मुझे ऐसे लोग पसंद है, कुछ लोग होते हैं चूतिए जिनसे 500 मांगो तो 100 रुपए भेजते हैं, कहाँ गया ये बहुत बड़ा आटा, गाइस ये लड़का ये नंबर नहीं दिख रहा है, हो साड़ी के 100 रुपए आए भाई, बहन के लौड़े 130-130 रुपए लेके अकाउंट में क्या कर रहा है भोसड़ी के, अरे तो कम से कम लोगों का जो उधार ले रखा है वो तो दे दे, मादर चोद तेरी आईडी मेंशन कर रहा हूँ अपने ब्लॉग में, भोसड़ी तुझे गालियां पड़ेंगी, सच में ब्लॉग बना रहा हूँ वीडियो चालू है मादर चोद, रुक ये गाइस देखो ये निखिल है और इसकी आईडी में मेंशन कर रहा हूँ और इसको अभी गालियां दो मादर चोद की, ये भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला है, तो इसका भोसड़ी स्टार्ट करने से पहले इसकी अकाउंट कितनी रिपोर्ट कर दो, स्टार्ट ही ना हो पहले इसका वो हो जाए स्ट्राइक आ जाए, ये वो सड़ी का बिहार से बिहारी दिमाग लगाता है, मादर चौथ 100-100 रुपए भेज रहा है 1,000 की उधारी में, रखने भाई, भाई पार्टी करने जा रहा हूँ बीच में यार, तू ऐसे करेगा अकेला, अरे मैं और काजल, अरे कोई बात नहीं करना पार्टी, बाद में करता हूँ।
तो पैसा होगा तब तो करूंगा ना मादरचोद, कम से कम एक के लिए तो पैसा भेज दे। कितना 130 ₹100 भेजा भोसड़ी तूने। अबे रिचार्ज मादर चोद तेरे फोन पे में नहीं, किसी डला देने पैसे, नाटक मत कर। अरे चखना मैं अपने से ले लूंगा, तू मांगी बस उसका पैसा भेज दे। मादर चोद फोन काट दिया। ये होता है गाइस उधारी की जिंदगी। अरे बंद करना, बाद में भर लेना जब तेरे पास 24 घंटे का टाइम है। इसको मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर रखने जाऊंगा, तू वेट करेगी। जाएगा अभी, चल रख दूंगा यार तुरंत जाकर। इसको बीच में कहाँ लेकर घूमेंगे? चाबी, मेरी चाबी। हाँ तो अपनी चाबी वाबी ले। तो गाइस चलते हैं बीच पे पार्टी कर। क्या पार्टी करने यार भाई, क्या बताऊँ मैं उसको, हम पार्टी नहीं बोल सकते। पार्टी नहीं, ऐसे टाइम पास करने जा रहे हैं। बस टाइम पास करने जा रहे हैं। पार्टी तो कई लोगों के बीच में होती है, और मैं तो अकेला हूँ, ये किसी काम की नहीं है। चलते हैं। मैं वेल्ली नहीं हूँ। वेल्ली क्या? तो गाइस आ चुके हैं बीच पे काजल, बस थोड़ी देर बैठ के यहाँ पर भी चिल करेंगे, और रात के 10 बज रहे हैं, थोड़ी देर यहाँ पर भी चिल करते हैं और फिर चलते हैं अपने अपने रूम पे। और अभी तो कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। ये बस तो फाइनली मैं आ चुका था कल रात को रूम पे, बट मैंने व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मेरा रूममेट जो था वो सो गया था और लाइट ऑफ थी, तो मैंने सोचा क्या डिस्टर्ब करूं। और अभी मैं आया हूं अपने पुराने वाले रूम पे, क्योंकि इसमें जो थोड़ा बहुत सामान पड़ा है वो निखिल का सामान है, तो वो सामान भी पैक करके, क्योंकि वो घर पर है ना, तो वो भी अच्छे से पैक करके उसको काजल के रूम पर रख देंगे। तो जब वो आएगा तो अपना सामान उसे चाहिए होगा तो ले लेगा, क्योंकि इस रूम पर छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि रूम पर जो दूसरे लोग आएंगे तो वो लोग अपना सामान रखेंगे तो ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं, तो इसको हमें रखना पड़ेगा। तो मेरे रूम पे तो जगह है नहीं इतनी, तो मैं काजल के रूम पे रख दूँगा, सो इसीलिए आए थे। तो बस कुछ यही था व्लॉग, और व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय बाय। समंदर के जैसे बढ़ती लहर, समंदर के जैसे ढाती कहर।